मैं हिस्सामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड के सामने जहां पर कचरा फेंका जाता था वहां पर एमआईएम पार्टी के विरोध करने के बाद मनपा द्वारा एक गार्डन बनाया गया था, लेकिन अब उस गार्डन की हालत देखेंगे तो काफी दयनीय हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे एक साइड से जो ईंट की एक छोटी सी दीवार बाउंड्री लगाई गई थी वो भी टूट गया है और पूरा ये पार्किंग का एरिया बन चुका है। और उसके ठीक सामने ही आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि ये पूरा जो है यहाँ पर गैरेज भी खोल दिया गया है, रोड पर ही गैरेज का काम किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मुनू। अच्छा, ये गैरेज किसका यहाँ पर खोला गया? ऑटो रिक्शा का काम ये अनिश भाई। अनिश भाई? अनिश भाई कौन? अनिश वो रिक्शा ड्राइवर है तो पतले से चश्मा लगाते यूनियन वाले। हाँ। देखो आ गए ना वो। आमिन भाई, आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर, वालेकुम सलाम, यहाँ पर ये गार्डन खूबसूरत बनाया गया था, लेकिन आप भी नजारा देख रहे हैं यहाँ पर क्या हालात है। गैरेज खोल दिया गया है यहाँ पर गार्डन के सामने, ये पार्किंग बना दिया गया है यहाँ पे। पार्किंग है यहाँ पे, पार्किंग है, बोर्ड नहीं है मगर पार्किंग ही पार्किंग है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए तो ट्रैफिक होती है। अनलीगल पार्किंग, अनलीगल ये पार्किंग ही रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नो पार्किंग है, नो पार्किंग लिखा हुआ है पर एक जगह भी पार्किंग नहीं है, एक जगह ही नहीं दिया गया है रिक्शा वाले को, कार वाले को, टैक्सी वाले को, क्योंकि अनलीगल तरीके से यहाँ पे पूरे पूरे इलाके में देखो एक जगह भी नहीं बचा है, सब बिल्डिंग बन के वहां पे उसके बाद पार्किंग करने की जगह ही नहीं है। वो बेचारा ये रोड पे नहीं करेगा, ऐसे कितने भी अच्छे गार्डन बने क्या रख सकते हैं क्या? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये वहाँ घर के नीचे गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं हो तो रोड पे रखेगा ना। अच्छा, और इसे जो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ये जो बनाया जा रहा है ऑटो रिक्शा, एक तरह से कहेंगे गैरेज यहाँ पर खोला गया है, तो इसके बारे में आपका क्या? हाँ, गैरेज के बारे में जो ख्याल है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर है ना महानगर पालिका, आपको तो पता है मैं राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मुस्लिम लीग से, हम तो ये आवाज ही उठाते हैं यहाँ पर कि ये जो अनलीगल पार्किंग बतला रहे हैं आप, गैरेज बतला रहे हैं और सर्विस सेंटर बतला रहे होंगे, ये गार्डन बतला रहे, इसका कारण सारे महानगर पालिका सागर, सोलंकी और गोसावी है, ये अनलीगल है सब, महानगर पालिका की गलती है, मुंब्रा प्रभात समिति की। मैं वर से बताता हूँ, अगर मुंब्रा लोगों की भी गलती है ना, लोग भी तो समझदार होना चाहिए कि हमको रोड पे पार्किंग नहीं करना चाहिए, दो पैसा कमाने के लिए तुम ऐसे रोड पे आके गैरेज खोल दे रहे हो। देखो ना ये गैरेज, और ये भी अनिश नाम के किसी शख्स का है, रिक्शा यूनियन का कोई लीडर है उनका है, ऐसे खोल दिए लाके यहाँ पर। मैं आपको क्या बोला, गलती किसकी है? महानगर पालिका की गलती है सर, मना करो, आप यहाँ के सहायक है ना, कमिश्नर हो आप यहाँ के, कमिश्नर आप रात दिन जाने आने वाले सर, आपको दिखता नहीं है, आप आग बंद करके बैठे हो, कमिश्नर सो रहे हो, आप उनको उनके एरिया में क्या गलत काम कर रहे हो उनको नहीं मालूम है? अनलीगल तरीके से सब काम हो रहा है, अनलीगल तरीके से पानी इस्तेमाल हो रहा है, पूरा पानी का शॉर्ट है मुंब्रा का, फिर भी सर्विस सेंटर चालू है ना, एक गार्डन से आपको दिख रहा नहीं है सागर, आप सहायोग यहाँ पे आयोगे यहाँ के, आपको दिख रहा नहीं है, आग बंद करके बैठे हो, इसका मतलब आप लेते होगे, इसलिए सवाल ही, मतलब बनाओ जो भी करना है करो, आग बंद करके बैठे रहे दो, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सच्चाई बदला रहे कि अगर तुम कुछ करते हो तो कुछ काम करके तो दिखाओ, नहीं काम करके दिखाओगे? अभी अनिश भाई तुम बोल रहे हो, और भी यहाँ पे रिक्शा वाले यहाँ पे जो रोड पे चालू किया है और वो सर्विस सेंटर चालू किया है, यहाँ पे अनलीगल होकर चालू है, ये आपके आप देख रहे हो ना, सागर सोलंकी देख ही रहे हो ना, महानगर पालिका वाले क्या आग बंद करके बैठे हो, कुछ लेना देना करते हो तो कर लेते। लेकिन खैर ये भी बात सही है कि सर्विस सेंटर जो है इलीगल तरीके से बहुत मुंब्रा में सर्विस सेंटर है, और इसी तरीके से जो है आपको गैरेज भी रोड पर मिलेंगी, लेकिन जिस तरह से मुंब्रा में पीने के पानी की भी किल्लत है, लोग उसको लेकर जो है सर्विस सेंटर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक तरफ पीने का पानी नहीं आ रहा है और वहीं गाड़ी धोने के लिए जो है उन्हें भरपूर पानी मिल रहा है, और लगातार वो जो है दिन रात जो है गाड़ी धोने का काम इन इलीगल तरीके से जो सर्विस सेंटर है उन पर ये काम चलता ही रहता है। और यहाँ पर जो है पहले कचरा डाला जाता था, उसके बाद जब विरोध हुआ, एमआईएम पार्टी के लोग विरोध किए, उसके बाद यहाँ पर मनपा ने एक गार्डन बना के दिया, लेकिन उसकी भी हालत देखेंगे कि खराब हो चुकी है, क्योंकि इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जो यहाँ पर जानवर, आवारा जानवर घूमते हैं वो इन पेड़ों को जो है देखेंगे आप पूरा खा लिए हैं, सिर्फ ऐसे लकड़ियां ही खड़ी है, इसी तरह से पूरे जो एक लाइन से पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरे जानवर जो है खा चुके हैं।
और पूरी इसकी हालत खराब हो चुकी है। और ये जो इलीगल तरीके से पार्किंग ये जो बन गया, यहाँ पर कार है, टेम्पो है, सब इलीगल तरीके से यहाँ पर खड़ी की जाती है। हालांकि ममता को चाहिए कि इस पर जो है कार्रवाई की जाए, और ये जो गार्डन है, गार्डन बनाया गया था कि ताकि रोड जो है खूबसूरत दिखे, अच्छा दिखे, लेकिन पूरा ये पेड़ जो है ये आवारा जानवर खा लिए, कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं है। और तो और यहाँ पर एक देखेंगे सामने ही पानी जो है पाइप निकाला गया है, वहां जो मजदूर काम करते हैं शायद वो लोग यहाँ से पीने का नहाने का पानी लेकर जाते हैं, और ये पानी जो वहां से निकलता है ये देखेंगे आप, पूरा इसी जो गार्डन छोटा सा ये बनाया गया था इसी में ये गंदा पानी इसी में आ रहा है। और कुछ इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो ये पानी है क्या नाम है रेशमा, ये पानी आप लोग कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे कहाँ पर काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग लाहौर है। हाँ, ये पेड़ के नीचे जो रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये देखो सामने दिख रहा है ना। अच्छा, वो सामने। हाँ, वो झोपड़ा, वहाँ पे पानी लेके जाते है। और आप लोग कहाँ से ये पानी कहाँ लेके जा रहे हैं? मेले में पीने के लिए। अच्छा, ये जो मेला एग्जीबिशन है ना उधर, वो मेला में खाना तैयार करने के लिए पानी ले। तो देखेंगे आप यहाँ पर ये पानी जमीन के अंदर से ये यहाँ पर देखेंगे पानी का पाइप है, वाल लगा हुआ है, और यहाँ से भी शायद पानी का पाइप गया है, और इसके अंदर से एक पानी के टैप मार के ये पाइप निकाला गया है, और इसी में से शायद मेला लगने वाला है, शायद कोई फेस्टिवल है, मुमरा फेस्टिवल है, क्या है वहाँ मेला लगने वाला है, वहाँ जो लोग आए हैं वो यहाँ से पानी लेकर जाते हैं। लेकिन ये पाइप निकाला हुआ है, ये बड़े बड़े टंकी यहाँ पर रखी गई, ये किसकी टंकी है? कुछ लोगों ने ऐसा हमें जानकारी दिया है कि ये जो रखा गया है यहाँ पर, हो सके एक और सर्विस सेंटर यहाँ पर बनाया जाए, ऐसी जानकारी हमें मिली है। लेकिन खुले तौर पर हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर सर्विस सेंटर बनाया जाएगा या नहीं, लेकिन ऐसी खबर मिली है कि सर्विस सेंटर यहाँ पर बनाया जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर रखा हुआ है। बहरहाल ये पूरा जो है MIM पार्टी के विरोध के बाद यहाँ पर कचरा हटाया गया और ये गार्डन बनाया गया, खूबसूरत लगे, लेकिन हालात आपके सामने है कि फिर वैसे ही धीरे धीरे गंदगी फैल रही है, पानी जो है गार्डन में जा रहा है, गार्डन की हालत भी बद से बदतर हो गई है, पार्किंग इलीगल तरीके से हो गई है। हालांकि इस पर MIM पार्टी के लोगों को भी आकर आवाज उठाना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस तरह से उन्होंने कचरा हटवाया, विरोध किया था, उसके बाद वहां पर गार्डन बनाया गया, तो उस गार्डन की स्थिति क्या है और वहां पर अब क्या हो रहा है, इस पर भी उनकी जिम्मेदारी थी नजर बनाए रखने की। लेकिन बहरहाल तस्वीरें आपके सामने है जो हकीकत बयां कर रही है। कैमरा मैन नीलेश के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, बुमराह।